दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम दोस्तों जैसा कि आपको मालूम हम अपने चैनल पर बायोलॉजी से रिलेटेड हर टॉपिक्स हर बायोलॉजी से रिलेटेड हम शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट नोट्स या एमसीक्यूज लाते रहते हैं, जो आपको नीट एग्जाम के लिए यूजफुल है। साथ ही साथ वेरियस लेवल ऑफ स्कूल एग्जाम जो आप देते हैं, टेंथ हो चाहे ट्वेल्थ हो, चाहे नाइन्थ हो चाहे इलेवंथ हो, चाहे सिक्स या सेवन्थ, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके सामने ला रहे हैं। यह इसी का पार्ट नंबर टू है। चलिए अब हम एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला एमसीक्यू में दिया हुआ है, इंडिविजुअल्स ऑफ एनी स्पेसिस एट ए प्लेस फॉर्म बायोटिक कम्युनिटी इकोसिस्टम पॉपुलेशन बायोस पे। दोस्तों, ये सरल सा क्वेश्चन है जिसका सरल सा आंसर होना चाहिए, आपको मालूम भी होना चाहिए। चलिए दोस्तों आंसर देखते हैं। पॉपुलेशन, आगे बढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ अर्थ कंप्राइजिंग वाटर इज कॉल्ड एज द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, आयनोस्फेयर। दोस्तों, ये भी सरल सा क्वेश्चन है जिसका सरल सा आंसर होना चाहिए, आपको मालूम भी होगा। चलिए देखें इसका सही आंसर, हाइड्रोस्फेयर। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन स्टूपिड से लग सकते हैं आपको और कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे भी हैं। तो दोस्तों, हमें एग्जाम के लिए स्टूपिड क्वेश्चन हो चाहे अच्छे क्वेश्चन हो, दोनों तरह के पढ़ने चाहिए। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हर्बीवोरस कॉन्स्टिट्यूट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। दोस्तों, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर देखते हैं हम। सेकंड ट्रॉपिक लेवल, कई बार लोग इसका आंसर वन लगा देते हैं जो कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, जो कि बिल्कुल गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ, डीकम्पोजर। दोस्तों, ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लोग अक्सर इसका आंसर प्रोड्यूसर लगा देते हैं जो कि गलत है। इसका सही आंसर है हेटरोट्रॉफ। चलिए आगे बढ़े। द ऑर्गेनिज्म दैट डिकम्पोज द डेड बॉडीज आर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, प्रीडेटर्स, डिकम्पोजर। दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब वक्त ना खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है डिकम्पोजर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एनर्जी फ्रॉम एनवायरमेंट एंटर्स थ्रू प्लांट्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, डिकम्पोजर। दोस्तों, इसका सही आंसर है प्लांट्स। चलिए आगे बढ़े। व्हाट परसेंटेज ऑफ सन्स टोटल एनर्जी रीचिंग ऑन अर्थ इज यूज्ड बाय प्लांट, 10%, 5%, 1%, 20%। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स इसका आंसर 10% लगाते हैं। चलिए अब हम इसका सही आंसर देखते हैं। 1% ऑफ सन टोटल एनर्जी रीचिंग ऑन अर्थ इज यूज्ड बाय प्लांट्स। चलिए आगे बढ़े। एस्केप ऑफ वाटर वेपर, इसमें वेपोरोसा लिखा है, आप वेपर पढ़ें इसका। एस्केप ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम लीव्स इज कॉल्ड एवोपरेशन, ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस। दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर पता होना चाहिए, या नहीं भी पता है तो हम बता देते हैं। इसका सही आंसर है ट्रांसपिरेशन, इज कॉल्ड द एस्केप ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम लीव्स। कन्वर्सन ऑफ एमोनिया इंटू नाइट्राइट्स इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, एमोनिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, डेंट्रिफिकेशन। दोस्तों, इसका सही आंसर है नाइट्रिफिकेशन। आगे बढ़े। डेंट्रिफिकेशन इज डन बाय ब्लू ग्रीन एल्गे, सीडोमोनास, राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर। दोस्तों, ये भी अच्छा एक क्वेश्चन है जिसे आपको मालूम होना चाहिए। ब्लू ग्रीन, इसका सही आंसर है सीडोमोनास। चलिए दोस्तों, हमारी आज की यात्रा यहीं खत्म होती है। आगे के लिए एमसीक्यू हम पार्ट 3 लाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा आपको। इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।